जी मैं एलेक्स बोल रहा हूं। क्या सहायता कर सकता? गुड इवनिंग वीक के पास। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्लीज बैठे रहिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सक्यूज मी सर। यस दीप्ति। मैंने आपसे एक हफ्ते की छुट्टी के लिए पूछा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगले दो महीने तक तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। प्लीज सर मजबूरी है, मुझे छुट्टी चाहिए। दीप्ति यहाँ तो हर कोई मजबूर है, किस किस से सुनूं? हैं? I'm sorry, मैं तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं दे सकता, और अगर तुमने एक भी छुट्टी ली तो तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, समझी? खड़ूस कहीं का। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं सर। तो फिर गेट बैक टू वर्क। यस सर। क्या हुआ दीप्ति, आर यू ओके? हाँ सुरेश मैं ठीक हूँ। फिर से डांटा नवीन सर ने? हाँ जब तक मुझे डांट ना ले इनका दिन ही कहाँ गुजरता है अच्छे से। मैं भी काम का टेंशन है, इनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो। एक तो इतना सारा काम, ऊपर से बॉस की चूचू, छुट्टी मांगी वो भी नहीं दी, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। रिलैक्स ओके रिलैक्स। फोन दीप्ति तुम्हें पता है ना ऑफिस आवर्स में मोबाइल यूज करना मना है, कोई देख लेगा तो? मालूम है लेकिन अर्जेंट है। दीप्ति लिसन। अरे दीप्ति किधर जा रही है? लेकिन आज ही क्यों? अच्छा सुनो देखो मैं घर आ रही हूँ फिर बात करते। दीप्ति कहाँ गई? पता नहीं यार कहाँ चली गई, शी इज अपसेट आई थिंक। यस सर मे आई हेल्प यू सर? जस्ट अ मिनट सर, कैन यू होल्ड फॉर अ व्हाइल सर? आई विल जस्ट चेक आउट एंड लेट यू नो इमीडिएटली सर। थैंक यू सर। सर गर्मा गर्म चाय। हेलो सर मैं सब संजय सिन्हा हो गया हूं। हैप्पी सर शोस दैट यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड नो नॉक विंडोज सर। सो रमन साहब विंडोज एंड कॉफी। या सर थैंक यू सर। या इट्स नॉट इन माय हैंड कंपनी पॉलिसी सर। मैडम कॉफी प्लीज डोंट अब्यूज। संजय सर आपकी कॉफी। सर लेट मी चेक योर नेम्स। किदी मैडम कॉफी। सर सर चाय। मेरी वाइफ से भी अच्छी चाय बनाता है। सर आपका मोबाइल बज रहा है क्या? नहीं तो मोबाइल तो ऑफ है। फिर आवाज कहाँ से आ रही है? तो केबिन में बज रही है, चेक करता हूँ। बस तो अंदर से ही आ रही है। नवीन साहब, नवीन साहब आपकी ब्लैक कॉफी। नवीन साहब आपका फोन बज रहा है। साहब नवीन साहब फोन बज रहा है आपका। नवीन साहब संजय सर, संजय सर जल्दी आइए, देखिए नवीन साहब को क्या हो गया, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या क्या हुआ सर? सर सर नवीन सर, नवीन सर क्या हुआ सर? लगता है बेहोश हो गए। नवीन सर, सर नवीन सर ये बेहोश नहीं तो मर गए। नवीन सर मर गए, ऐसे कैसे हो गया? अब क्या करें? सैडी को फौरन बुलाता हूँ। हाँ कॉल करता हूँ। हेलो सीआईडी। एक्सक्यूज मी आप लोग थोड़ा बाहर जाइए प्लीज। आप सभी कैबिन के बाहर खड़े हो जाइए प्लीज। अभी आइए प्लीज प्लीज बाहर जाइए। ये ऐसे ही पड़े हुए थे? नहीं सर इनका सर टेबल पे पड़ा हुआ था। सबसे पहले आपने देखा था? जी सर। और उसके बाद आप लोगों ने? जी सर।
नहीं, खून वून तो दिख नहीं रहा। कहीं इनकी मौत हार्ट अटैक से तो नहीं हुई? हो सकता है सर, हो सकता है इन्हें किसी वजह से शॉक लगा हो। और क्या वजह हो सकती है? ये मिस्टर नवीन इस कॉल सेंटर के मालिक थे ना? जी सर, बड़े ही अच्छे आदमी थे। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि सर हमारे बीच नहीं रहे। आखिरी बार कौन मिला था इनसे? सर मैं मिला था इनसे। सर एक फाइल पर साइन करवाने आए। कितने बजे? सर तकरीबन 10 बज रहे थे उस वक्त। और आप लोगों ने लाश देखी 12 बजे? जी सर। 10 और 12 बजे के बीच कमरे में अकेले थे, इसका मतलब इनकी मौत 10 से 12 के बीच में ही हुई। एक बात बताओ, जब तुम नवीन जी से मिलने आए थे तो ये कैसे लग रहे थे? कुछ बीमार लग रहे थे? तबीयत खराब लग रही थी इनकी? तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे सर। एक ठीक ठाक आदमी यूं अचानक कैसे मर सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है सर? कुछ तो होगी ना, तभी तो ऐसे मौत हो गई इनकी। जी ये बताइए कि इनके कमरे से 10 से 12 के बीच में ये चीखने या चिल्लाने की आवाजें सुनाई थी? नहीं सर। किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो जिसकी वजह से इन्हें गुस्सा आ गया हो? और हाँ सर, कल इन्होंने दीप्ति को डांटा था। दीप्ति? ये दीप्ति कौन है? हमारे साथ काम करती है सर। बुलाओ जरा। ऑफिस में नहीं है सर। कल शाम को अचानक ही काम छोड़ कर चली गई, तब से उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। काम छोड़ कर चली गई? जी सर। लेकिन क्यों? पता नहीं सर क्यों। किस वजह से डांट रहे थे ये? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अच्छा, दीप्ति को डांट रहे थे ये, क्या वजह है ये तो दीप्ति बताएगी। मैंने नहीं भगाया, अपने आप चली गई। चली गई छुट्टी पर? छुट्टी पे? हाँ। कब आएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए ना, घास नहीं डाल रही आजकल तारिका जी आपको। वो बात नहीं है एक्चुअली। सारंगी आप जरा बताओगे नवीन जी की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से हुई है। अब हार्ट अटैक से? डॉक्टर साहब ये तो हमें भी मालूम है, कुछ और बताइए ना। और बात ये है कि इनका हार्ट काफी कमजोर था, इनकी पहले भी हार्ट सर्जरी हो चुकी है। आप तो देख ही चुके हैं, ये देखिए। हाँ मगर सारंगी अचानक हार्ट अटैक आने की वजह क्या हो सकती है? कोई जबरदस्त सदमा? सदमा ऑफिस में बैठे बैठे क्या सदमा लगा होगा इन्हें? भाई ये तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। हार्ट अटैक तो अपने आप भी आ सकता है, इसमें सदमा पहुंचाने वाली क्या बात है? इन्हें अपने आप हार्ट अटैक नहीं आया फ्रेडी, इन्हें हार्ट अटैक करवाया गया। हार्ट अटैक करवाया गया मतलब? मिस्टर नवीन के शरीर में से मुझे फिवोको के नाम का केमिकल मिला है। संख्य तो वही केमिकल है ना जो दिल की बीमारी की दवाई बनाने के काम में आता है। इन्हें कोई ऐसी दवाई दी जा रही थी जिससे इनका दिल दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। ऐसी दवाई तो अभिजीत कोई आसपास का या कोई करीबी आदमी दे सकता है? सर या तो कोई घर वाला या फिर ऑफिस का भी कोई हो सकता है, कोई करीबी आदमी। वो सुरेश बता रहा था कि इनके ऑफिस में कोई स्टाफ मेंबर है, दीप्ति नाम की लड़की अचानक ऑफिस छोड़ के चली गई और उसके बाद में नवीन जी की मौत हो गई। अभिजीत जरा इस दीप्ति से मिलो। आप लोग मिलिए इस दीप्ति से, तब तक मैं देखता हूँ मुझे और क्या मिलता है मिस्टर नवीन के शरीर से। से आए हैं क्या? नहीं नहीं, आप हमें दीप्ति से मिलना है। माँ जी आपसे कितनी बार कहा है? आप लोग कौन हैं? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन सीआईडी का मेरे घर में क्या काम? आपके बॉस नवीन कुमार जी, देखिए उनका खून हो गया है। खून? आप घबराएं मत माँ जी, आप आइए, आप अंदर आइए मेरे साथ। प्लीज सर आइए। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल मत घबराइए। आप चलिए, आप अंदर चलिए। सब ये खून हुआ कैसे? आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है? नहीं, लेकिन कल तक तो वो एकदम ठीक ठाक थे। वो तो हमें भी मालूम है क्योंकि खून आज सुबह ही हुआ है। चलो, मैं तो वैसे भी वो नौकरी छोड़ने ही वाली थी। अरे
आपके बॉस का खून हो गया है और आपको नौकरी की पड़ी है। जरा भी दुख नहीं आपको? दुख? मुझे क्यों होगा दुख? वो मेरे रिश्तेदार थोड़े ही थे, सिर्फ मेरे बॉस थे, एक खड़ूस बॉस। जब देखो मुझे डांटते ही रहते थे, पूरे ऑफिस के सामने मेरी इंसल्ट करते थे। मैंने छुट्टी के लिए पूछा था कि मैं अपने सासू माँ की देखभाल कर सकूं, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो आपने इसलिए छुट्टी मांगी थी? जी। कहीं आपने खुद अपने किसी ऑफिस के साथी के साथ मिलकर नवीन जी का खून तो नहीं करवा दिया? ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज जरा सोच समझ के बात कीजिए। बात तो हम लोग सोच समझ के ही कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अचानक ऑफिस से क्यों आ गई? सर वो हुआ यूं कि मुझे घर से अचानक फोन आया मेरी सासू माँ का। वो कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मुझे ऐसे अचानक आना पड़ा। कितने बजे फोन आया था? रात को 8 बजे। जरा फोन दिखाएंगे? जी। किसका नंबर है? मेरे घर के लैंडलाइन का नंबर है। ठीक है दीप्ति जी, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। थैंक यू। जी। सर मुझे लगता है दीप्ति को छुपा रही है। दाल में काला है। दादाजी किसी में कोई नहीं था मेरा इस दुनिया में। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, अब मैं किसके लिए जीऊं? तानिया जी आप हिम्मत मत हारिए, आपके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने सजाए थे दादाजी ने। मैं दुल्हन बनूंगी, डोली चढ़ूंगी, पर उसके पहले ही वो। तानिया जी हम नवीन जी के खूनी को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, प्लीज आप रोइए मत। जिस किसी ने मेरे दादाजी का खून किया है ना, उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तना जी आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? पता नहीं, दादाजी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कभी झगड़ा करते हुए सुना हो आपने फोन वगैरह पे? नहीं कभी नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके दादा की दिनचर्या क्या थी? मेरा मतलब है डेली रूटीन, ऑफिस के अलावा भी कहीं आते जाते थे? नहीं, वो ऑफिस से सीधा घर आते, उन्हें किताबों का बहुत शौक था, आते ही किताबों में डूब जाते थे और मुझसे बहुत सारी बातें करते थे। पिछले कुछ दिनों में कोई टेंशन कोई तनाव था उन्हें? ऐसा कोई तनाव तो नहीं था, पर वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे दादी के गुजर जाने के बाद, इसलिए उन्होंने मुझे लंदन से इंडिया बुलवा लिया। आप लंदन में रहती थी? जी, मैं वहां अपने MBA की पढ़ाई कर रही थी, 3 महीने पहले ही इंडिया आई। I see. ठीक है तानिया जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। सर मैंने सुना है मुजरिम आप लोगों के नाम से ही कांपने लगता है। ठीक सुना है। पता कीजिए कि आप मेरे दादाजी के खूनी को बिल्कुल जाने नहीं देंगे। वो बचेगा नहीं तानिया। नवीन सर की मौत से हम सब की नौकरी चली जाएगी। हाँ यार, इस कॉल सेंटर पे तो ताला लग ही जाएगा, हमारा क्या होगा? पता नहीं। हरीश, बेटा हरीश, एक कप चाय पिला दे। हरीश कहाँ गए? हरीश आज काम पे नहीं आए क्या? काम पे नहीं आया तो ऑफिस का ताला किसने खोला? सर इस तानिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है, माँ बाप तो उसके बचपन में नहीं थे, अब इस खूनी ने उसके दादाजी को मार डाला। और जब तक ऐसे खूनी आजाद घूमते रहेंगे न जाने तानिया जी से कितनी लड़कियां अनाथ होती जाएगी। सर ये खून जल्दबाजी में नहीं हुआ है, ये एक सोचा समझा प्लान है। बिल्कुल सही अभिजीत, बिल्कुल सही, ये सोच समझ कर ही किया हुआ खून है, सोच समझ कर। सालुंखे ने भी तो बताया कि कोई सदमा पहुंचा था नवीन को, कोई सदमा जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। सर मुझे तो लगता है कि नवीन जी के खून में किसी ऑफिस वाले का ही हाथ है।
मगर क्या वजह क्या हो सकती है? क्या हुआ होगा जिसकी वजह से नवीन को सदमा पहुंचा और उसकी मौत हो गई ऑफिस में बैठे बैठे? कोई तो वजह होनी चाहिए। अभिषेक, ये दीप्ति मेरे दिमाग में खटक रही है। ये दीप्ति, उसकी नवीन जी के साथ बहस हो, छुट्टी को लेकर वजह क्या? तो उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है और फिर अचानक नौकरी छोड़कर चले जाना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अभिजीत, कुछ तो छुपा रही है वो हमसे। हरीश, 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 क्या हुआ? हरीश, क्या हुआ ऐसे? हरीश, 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 मैं पानी लेके आता हूँ। कोई फायदा नहीं, मर चुका है वो, इज डेड। कॉल सेंटर में कौन बोल? हे भगवान, क्या हो रहा है इस कॉल सेंटर में? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है और क्यों? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सीआईडी को फौरन बुलाता हूँ। हाँ, वही लोग हमें बचा सकते हैं। एसीबी प्रद्युमनिया, मैं गुडविन कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ। सर, यहाँ पे एक और मौत हो चुकी है। और एक खून गुडविन कॉल सेंटर में? माय गॉड, ठीक है, समझ गया। छोड़ने में ही सबकी बताई है, पर क्या पता कल हम में से किसी की बात चुकी। पता नहीं कौन है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। कहाँ है लाश? तो वहां पे पड़ी है। चलिए हटिए प्लीज। गला घोट के मारा है। ये देखो, यहाँ पर अंगूठे का निशान है और तीन उंगलियां ऐसे ऐसे गला घोटा। सर, एक हाथ से गला घोटा है इसका। आदमी हो सकता है, ताकतवर। ये क्या? ये तो घाव का निशान है। लगता है जिसने भी इसका गला घोटा, यहाँ पर अपना घुटना रख के गला घोटता गया तब तक जब तक ये मर न जाए। नवीन की लाश हमें कैबिन के अंदर मिली और अब हरीश की लाश उसी कैबिन के सामने। सर, शायद ये हरीश इस कैबिन के सामने से ही गुजर रहा होगा जब खूनी ने इसे पकड़ा होगा। ये भी तो हो सकता है कि हरीश कैबिन से बाहर निकल रहा हो। हरीश कैबिन से बाहर आ रहा था, इसका मतलब वो अंदर गया था। किस लिए हरीश कैबिन के अंदर गया होगा? नवीन और हरीश, इन दोनों के खून की वजह एक ही हो सकती है, एक ही। सर, शायद हरीश को नवीन के खून के बारे में कुछ पता चल गया जिससे खूनी को खतरा हो। जब हमें नवीन की लाश मिली सचिन, तब तो ये जिंदा था। उस वक्त उसने हमारे सामने मुंह क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं खोला, चुप क्यों बैठा? हालांकि नवीन की लाश को पहले देखने वाला यही था हरीश। ये बात तो है सर। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये हरीश और नवीन, इन दोनों के खून का राज यहीं छुपा हुआ, यहीं इन्हीं लोगों में। सर, लेकिन हरीश तो हमारे छोटे भाई जैसा था सर। हाँ, इसी की कीमत चुकाई इसने, तुम्हारा छोटा भाई होने के वजह से। हम सब तो खुद ही डरे हुए कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। देखिए, आप लोग प्लीज घबराइए मत, हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, आप लोग के होते हुए भी तो एक और खून हो गया। अच्छा, ये हरीश की लाश, लाश पहले किसने देखी? सर, मैंने और संजय ने। कितने बजे देखी? अभी से 2 घंटे पहले, जब हम ऑफिस में घुसे थे। मतलब हरीश क्या सबसे पहले आता था ऑफिस में? जी सर, वो सुबह 8 बजे आके ऑफिस खोलता था और यहाँ की साफ सफाई करता था। इसका मतलब खूनी अच्छी तरह से जानता था कि हरीश को किस वक्त मारा जा सकता है, क्योंकि 8 से 9 के बीच हरीश बिल्कुल अकेला होता था ऑफिस में। बेचारे स्पियन को कोई क्यों मारेगा? इसके मरने से किसी को क्या फायदा होगा? फायदा उसी को होगा जिसने नवीन का खून किया। वो डरता था हरीश से, क्योंकि हरीश उसके बारे में जान गया था, और वो खूनी तुम में से ही कोई एक है, समझे? तुम में से ही कोई, याद रहे, बचेगा नहीं हो हमारे हाथ, समझे? निकित सर, लाश के पास रहो, और सचिन, नवीन के कैबिन को दोबारा देखते हैं। इन दोनों के खून का राज इसी कैबिन में छुपा है, यहीं पर कुछ है। हरीश इस कैबिन में आया क्यों होगा? तुम तो हरीश इस कैबिन में आया ही क्यों? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। पहले भी आ चुके, पहले भी देख चुके, लेकिन जो कुछ भी है
हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आया? है क्या वो चीज? नवीन इसी कुर्सी में मरा था ना, इसी कुर्सी में। क्या कर रहा होगा वो इस टेबल पर? क्या कर रहा होगा? क्या हो सकता है? अरे क्या हुआ सर? कंप्यूटर का सीपीयू तो गर्म है। इसका मतलब है कंप्यूटर का सीपीयू गर्म है, मतलब नवीन का कंप्यूटर कुछ देर पहले ऑन किया गया था, काम किया गया इस बार। इसका मतलब खूनी, सचिन खूनी, खूनी नवीन के कैबिन में आया था और उसने इस कंप्यूटर पे काम भी किया, और शायद उसी वक्त हरीश ने वहां से उसे देख लिया और बस इसी कारण हरीश को मार डाला। फिर तो इस कंप्यूटर में कोई ऐसी खतरनाक चीज है कि खूनी जानता था कि अगर कोई और देख लेगा उसे तो वो पकड़ा जाएगा। हाँ विवेक सर, देखो जरा तुम्हें कुछ पता चलता है क्या? यस सर। सर कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा है। कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा है? एक काम करो, स्टाफ को जाकर पूछो नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड पता है क्या? यस सर। जल्दी। क्या हो सकता है? ऐसी क्या चीज है इस कंप्यूटर में? सर नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं है सर। नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं? नहीं सर। सर फिर तो इस कंप्यूटर में बहुत कुछ छुपा के रखा होगा। अगर नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं तो फिर हो सकता है उन्हीं को भी पासवर्ड नहीं मालूम होगा, और इसी वजह से वो खुफिया चीज जो कुछ भी इसमें है अभी भी इस कंप्यूटर में बंद है। विवेक सर इसका पासवर्ड तोड़ सकते हो क्या? मेरा एक दोस्त है बमल, वो पासवर्ड तोड़ने में एक्सपर्ट है सर। तो फिर बुलाओ इस बमल को ब्यूरो में। हेलो सर। तुम बमल हो ना, विवेक के दोस्त? यस सर। विवेक ने हमें बताया कि तुम किसी भी कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ सकते हो। हाँ सर, अभी तक तो फेल नहीं हुआ हूँ, मगर सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ पता है हमें। आओ अब इस कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ो और सारा डेटा हमें निकाल कर बताओ। यस खुल गया। हाँ सर। अब देखो इसके हार्ड डिस्क में क्या क्या है। ये क्या? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ये कंप्यूटर तो खाली है सर। खाली है मतलब? सर इसमें जो भी डेटा था, जो भी फाइल्स थी, वो सब किसी ने उड़ा दी है। खूनी का ही काम होगा सर। बमल कुछ भी करो, कुछ भी करो, हमें इस कंप्यूटर का डाटा निकाल के दो, इसी से हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। करो कुछ भी करो। कोई तो तरीका होगा ये हार्ड डिस्क का डेटा वापस पाने का? तरीका तो है पर उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मतलब कितना वक्त लगेगा? 10 से 15 घंटे, एक दिन भी लग सकता है। कोई बात नहीं, लगने दो, बस किसी भी कीमत पर हमें इस कंप्यूटर का डाटा चाहिए। जी सालों के साहब, कुछ पता चला? लगता है बॉस ये केस तो सॉल्व हो। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, बेचारे का दिल प्यार से धड़क रहा था। आपने गलत बोला सालूम के साहब, दिल प्यार से नहीं धड़कता है, दिल प्यार में धड़कता है। फॉरेंसिक लैब में प्यार की बात करना सख्त गुनाह है, समझते हो? यहाँ सिर्फ काम होता है, काम प्यार नहीं होता है। मुझे मालूम है आपका इशारा किसकी तरफ है। मैं फ्रेडी से बात कर रहा हूँ। अरे फ्रेडी को प्यार व्यार की बातें क्या मालूम? देखिए सर मेरी वाइफ को। फ्रेडी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फॉरेंसिक लैब में प्यार की बातें करना मना है, या सिर्फ काम होता है, सिर्फ काम, अंडरस्टैंड? अरे फिर भाई, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका दिल प्यार में धड़का? अभिजीत इसका दिल प्यार में नहीं धड़क रहा था, इसका दिल प्यार से धड़क रहा था, क्योंकि इसे पेसमेकर लगा हुआ। पेसमेकर? किस पेसमेकर की बात कर रहे हैं तुम सांकी? उस पेसमेकर की बॉस जो इस आदमी को लगा हुआ था। सर ये पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक किस्म की मशीन होती है जो इंसान के दिल के पास लगा दी जाती है, जिससे इंसान के दिल की इरेगुलर धड़कने रेगुलर हो जाती है। मतलब इंसान के दिल की धड़कने एक व्यवस्थित अंतराल के बाद ही धड़कती है। तो फिर सारुंग है, नवीन जी का पेसमेकर निकालो ना, सब पता चल जाएगा। अरे निकालूं कहां से बॉस, पेसमेकर है ही नहीं। क्या? अरे कभी कहते हैं दिल धड़क रहा था, पेसमेकर लगा हुआ था, और अब कह रहे कि पेसमेकर शरीर में है ही नहीं।
ब्रेडी यार बात को समझने की कोशिश किया। इस आदमी का पेसमेकर किसी ने निकाल दिया, जिसकी वजह से इसका दिल इतना कमजोर हो गया कि एक छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसे हार्ट अटैक आ गया। सरुण के बॉडी में से पेसमेकर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो किसी स्पेशलिस्ट का काम है, लाइक हार्ट सर्जन। वही तो मैं भी कह रहा हूँ सरुण के, और नवीन अपने आप तो ये पेसमेकर निकाल नहीं सकता, और तो ये खुद अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा। नहीं 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 अभिजीत, नवीन जी के बॉडी में से पेसमेकर किसी और ने निकाला है, ऑपरेशन के वक्त किसी और ने निकाला है। अगर सर ऑपरेशन के वक्त तो ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 15 लोग रहते हैं, किसी ने देखा कैसे नहीं पेसमेकर निकालते हुए। एक काम करो अभिजीत, नवीन जी की पोती तानिया से मिलो, तानिया से पूछो उससे कि नवीन जी का इलाज कौन डॉक्टर कर रहा था। कौन कौन है? आप लोग सब दादाजी का खूनी पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं। जब तक आप उसे फांसी नहीं दे देते मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है तान्या। आप ये बताइए कि आपके दादाजी को हार्ट की बीमारी थी ना? हाँ, उनका दिल कमजोर था और उनका ऑपरेशन हुआ था हाल में, पर मैं तभी लंदन में थी। ओ, किस हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन हुआ था? वो तो मुझे नहीं पता। वैसे आपके दादाजी कभी कभार डॉक्टर से मिलने तो जाते होंगे ना, या फिर डॉक्टर आता होगा चेकअप के लिए घर? घर पर तो कभी कोई डॉक्टर नहीं आया, और दादाजी ने कभी बताया भी नहीं कि उनका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा था। आपने कभी पूछा नहीं? पूछा था, मगर वो मुझे बच्ची ही समझते थे, ये सब बातें करके मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। किसे मालूम होगा कि उनका ऑपरेशन किसने किया था? वो तो तान्या जी, हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? हाँ ठीक है। घर के अंदर से डॉक्टर का पर्चा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ दवाइयां मिली हैं जो हार्ट पेशेंट की। सिर्फ दवाइयां मिली? कमाल है, हार्ट पेशेंट के घर से डॉक्टर का एक भी पर्चा नहीं मिला। सर कमाल की बात है, नवीन दिल का मरीज था, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, उसके बावजूद उसके घर से एक डॉक्टर की पर्ची तक नहीं मिली। सर क्या वो बताइए ना सर। आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, बस अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। और तो और, इससे भी बड़ी बात यह है कि नवीन की पोती तानिया को यह भी नहीं मालूम कि नवीन का इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है। अजीब बात है। क्या हुआ सर, खूनी के बारे में कुछ पता चला? पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हम नवीन के बारे में आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। हाँ सर पूछिए ना। आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि नवीन का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हाँ सर, इसलिए 25 दिन तक वो ऑफिस भी नहीं आए थे, काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ था उनका। तो तुम लोगों को ये भी तो पता होगा कि कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था? सर ये बात उन्होंने कभी नहीं बताई हमें। कभी नहीं बताया? उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और कौन से हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ आप लोग को ये तक नहीं मालूम? आप लोग मिलने तो गए होंगे ना उनसे? मिलने गए थे सर, मगर उनके घर पर जब वो डिस्चार्ज हो गए थे। मिलने गए थे डिस्चार्ज होने के बाद? हाँ सर। सर नवीन सर चाहते थे कि कोई भी उनसे अस्पताल में मिलने ना आए। मगर ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उन्हें बीमार हालत में देखें। लेकिन उन्होंने जिक्र तो किया होगा हॉस्पिटल के बारे में? नहीं सर, कभी जिक्र नहीं किया था। एक बार उन्होंने कहा था कि वो श्याम नगर जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट है। श्याम नगर, कब की बात है ये? जनवरी की। मैं सर की केबिन में कुछ पेपर साइन कराने गया था, सर ने कहा आके साइन करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। श्याम नगर, श्याम नगर, पता लगाना पड़ेगा श्याम नगर में कितने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। श्याम नगर। सर ये नवीन बड़ा आदमी था, किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में तो गया नहीं, इस गुड हेल्थ जैसे बड़े हॉस्पिटल में करवाया होगा ऑपरेशन। एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर अमित का केबिन कौन सा है? ये आगे से दाएं में तीसरा केबिन है उनका। थैंक यू। पर सर अभी आप डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते?
सकती हूँ कि डॉक्टर अमित अभी ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जी? अब उनका खुद का ऑपरेशन हो रहा है या वो किसी का ऑपरेशन कर रहे? ये साहब भी आपके साथ ही में? हाँ मैं इन्हीं के साथ हूँ, हमारा काम ही कुछ ऐसा होता है, बारीक बारीक सवाल पूछने पड़ते हैं, तुम नहीं समझोगे। ये ऑपरेशन थिएटर में है ना डॉक्टर अमित जी? थैंक यू। आपके बेटे को नहीं बचा सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दीजिए ये झूठ है। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। क्या संभालिए? कैसे डॉक्टर हैं आप? मेरे बेटे को नहीं बचा पाए? क्या डॉक्टरी पढ़ी है आपने? माँ जी आप आइए, अब बैठिए प्लीज। बैठने से क्या होगा? मुझे माँ कहने वाला था, मेरा बेटा हमेशा के लिए चला गया। देखिए हम आपका दुख समझ सकते हैं, आप प्लीज आइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ था इनके बेटे को? वो हार्ट अटैक आया था। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी नर्स। एक बात नोटिस की सच है, ये डॉक्टर के हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है। सर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे अरे कौन है आप लोग? आपको पता नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में किसी बाहर वाले का ना मना है? अरे कोई बीमारी खराब देंगे तो? सब पता है हमें, पहले जरा यहाँ के मौसम का हाल तो ले लें। मौसम का? जी हाँ मौसम का हाल। क्या छिपा रही है आप? क्या कर रहे हैं आप? लाइए ना प्लीज। ये क्या? दिल? ह्यूमन हार्ट? ये इसी लड़के का दिल है ना जिसका ऑपरेशन डॉक्टर अमित ने अभी किया। शरीर में से दिल निकाल लिया? क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब ये लड़का दिल के दौरे से नहीं मरा है, इन लोगों ने से मारा। क्या चक्कर है, क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मैं तो वही कर रही हूँ जो मुझे करने के लिए कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें, पहले तुझे उस मासूम के दिल का हिसाब देना है। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है। मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जिंदा लोगों के सीने से दिल निकालता है और अपने आप को डॉक्टर कहता है। पता है दिल की कीमत क्या होती है? एक एक दिल लाखों में बिकता है, लाखों में। शायद तुझे पता नहीं है एक माँ के लिए उसके बेटे की क्या कीमत होती है। अपने आप को डॉक्टर कहता है, डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, उनकी जान लेना नहीं। नवीन कुमार का ऑपरेशन भी तूने ही किया था ना? नवीन कुमार? हाँ, उसका ऑपरेशन भी मैंने ही किया था। फिर तो उनके दिल से पेसमेकर भी तूने निकाला होगा ना? 5 लाख रुपए दिए गए थे मुझे उसका पेसमेकर निकालने के लिए। 5 लाख? किसने दिए थे वो पैसे? पता नहीं, मुझे एक फोन आया था। किस नंबर से फोन आया था? वो नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने वो 5 लाख रुपए सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। बैंक अकाउंट में? फिर तो पता चल सकता है वो पैसा आया कहां से था। अब अमन कितना प्रोग्रेस हुआ है? 95% काम हो गया है, 5% बचा हुआ है। एक्सेलेंट सर, डॉक्टर अमित के बैंक से आ रहे हैं। तो अभी पता चला वो 5 लाख रुपए किसने डॉक्टर अमित के खाते में डाल दिए? सर जो नाम सामने आया है उसने तो इस केस को और भी उलझा दिया है। किसका नाम सामने आया है? नवीन कुमार जी का सर। नवीन कुमार ने खुद डॉक्टर अमित के खाते में पैसे डाले? हाँ सर। मगर सर कोई भी आदमी अपनी खुद की सुपारी क्यों देगा, वो भी अपने दिल से पेसमेकर निकालने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता है अभिजीत, ये जरूर किसी ने नवीन के अकाउंट में से डॉक्टर अमित के अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। सर ये कॉल सेंटर के अंदर का ही कोई आदमी है जिसे नवीन के अकाउंट के बारे में अच्छी जानकारी है। हो गया सर, इट्स 100% कंप्लीट। फटाफट बताओ क्या खजाना छुपा है इस कंप्यूटर में?
सर इस कंप्यूटर में तो ढेर सारा डेटा है, गुडविन कॉल सेंटर के सारे रिकॉर्ड्स है इसमें, और वहाँ काम करने वाले मेंबर्स के रिकॉर्ड्स है इसमें। नहीं, 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 नहीं। जो सबूत हम ढूंढ रहे हैं वो कुछ और ही है। कोई ऐसी चीज है जिसे खूनी कंप्यूटर से मिटाना चाहता था। इस कंप्यूटर में एक वीडियो भी है सर। वीडियो? कैसा वीडियो? कौन सा वीडियो? दिखाओ सर। हजारों फाइल्स के बीच में सिर्फ एक ही वीडियो है, ये देखिए सर। साउंड बढ़ाओ। सर वीडियो में साउंड नहीं है सर। अरे माय गॉड, ये तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है। ये कौन सी फिल्म का सीन है सर? किसी फिल्म का सीन नहीं है ये फ्रेडी, असली जिंदगी का सीन है। सर मतलब इसी वीडियो की वजह से मिस्टर नवीन जी को हार्ट अटैक आया हो, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हाँ लगता तो यही है, इस वीडियो की वजह से ही नवीन की मौत हुई है। लेकिन ये किसी अंदर वाले ने इस कंप्यूटर में डाला ये वीडियो। मगर ये खून किसका आ रहा है? चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है अभी, मगर इतना दिख रहा है कि एक लड़का लड़की को चाकू मार रहा है। पर्पल स्काई सर, ये देखिए वीडियो पे, यहाँ पे पर्पल स्काई लिखा है। लगता है ये वीडियो पर्पल स्काई कंपनी ने बनाया है। पर्पल स्काई? अभिजीत मुझे तो लगता है ये कोई पायरेटेड सीडी बनाने वाली कंपनी है ये पर्पल स्काई, और ये वीडियो किसी सीडी से ट्रांसफर किया गया इस कंप्यूटर में। सर ये झोलवाड़ी में पायरेटेड सीडी के काफी अड्डे हैं, ये पर्पल स्काई के बारे में हमें वहीं से पता चल सकता है। पर्पल स्काई झोलवाड़ी। हाँ छोटे, ऐसे मौसम में ना लस्सी पीने का बहुत अच्छा रहता है। एकदम सही बोला। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा तू। कोई पंटर देखेगा तो रड़ा करेगा। पायलट सीडियो का धंधा होता है यहाँ पे, संभाल के, बाहर के किसी आदमी को देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं लोग। चलो पायरेटेड सीडी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है यहाँ पे। देखो किसी की बात करने की आवाज है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। चुछ, 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 किसी भी तरह से हमें 5000 सीडीज बनानी पड़ेंगी। पार्टी अच्छी है, हाथ से जाने नहीं दे सकते, समझ गए? वेरी गुड। तो तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। आज रात तक सारे सीडी तैयार हो जाने चाहिए, कल ऑर्डर पहुंचाना है, समझे? हो जाएगा साहब, आप फिक्र मत कीजिए। चलो निकलो। ठीक है साहब। सर ये तो रमन है, गुडविन कॉल सेंटर का एम्प्लॉई। इसका मतलब है नवीन और हरीश का खून बेस रमन ने किया। या बेबी तुम्हें ही कॉल कर रहा था। हाँ हाँ आधे घंटे में घर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। ओके रखता हूँ। तो ये है रमन का साइड बिजनेस। सर गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। हाँ तो खून करने के बाद भी चेहरे पे घबराहट नहीं है। हाँ सुनो, जिस वक्त का हमें इंतजार था वो वक्त आ गया है। अभी उस बेवकूफ लड़की को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। तुम तैयार रहना, समझी? रखता हूँ। किस लड़की को मारने की बात कर रहा था? चलो
अपने बिछाए हुए जाल में फंसने वाला एक कबूतर। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? कब से तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रही थी। तानिया, रवीन जी की पोती। मैं भी तो कितना तड़प रहा था तानिया तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। अरे वाह, आज बहुत रोमांटिक मूड में हो। आज दिन जो अच्छा है। सच? आज के बाद हमारी जिंदगी बहुत खुशी से बीतेगी। हमारी जिंदगी? हमारी हमारी नहीं तानिया, मेरी। मतलब? मतलब ये तानिया कि तुम्हारी जिंदगी तो आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद बची सिर्फ मेरी जिंदगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? Thanks a lot, Tanya. Thanks a lot. Thank you very much. अगर तुम मेरा साथ नहीं देती वो वीडियो बनाने में जिसके वजह से तुम्हारे दादाजी मिस्टर नवीन की मौत हुई, तो उनकी जायदाद, उनकी दौलत मुझे कभी नहीं मिलती। Thanks a lot, Tanya. Thanks a lot. सर, तानिया रमन के साथ मिली हुई है। रमन, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। धोखा? धोखा? मैंने तो सिर्फ एक अजनबी को धोखा दिया है तानिया, और तुमने तुमने तो अपने सगे दादाजी तक को नहीं छोड़ा। ऊपर जाके उनसे माफी जरूर मांग लेना। ऊपर तो तुम दोनों भी पहुंचना है, और फांसी पे लटकने के बाद। देख लिया, बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है। पहली बार दया का थप्पड़ बेकार जाएगा। दीप्ति, तुम भी? हाँ, रमन मुझसे प्यार करता है, तान्या से नहीं। ओ, तो फोन पे इससे बात कर रहे थे तुम? हाँ, दीप्ति मेरी पत्नी है। क्या, दीप्ति तुम्हारी पत्नी है? हाँ है। इतना बड़ा धोखा तुम दोनों की वजह से, मैंने अपने दादाजी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सच्चाई के तीन बंदर होते हैं जो संदेश देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, मगर आज यहां पर बुराई के तीन बंदर हैं। बुराई के तीन बंदर जो बुरा देखते भी हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं। हर इंसान का एक सपना होता है अमीर बनने का। मैंने जो भी किया अपने सपने साकार करने के लिए किया। तो क्या यही एक तरीका था पैसा कमाने का? सच्चाई और मेहनत से पैसा नहीं कमा सकते थे क्यों दीप्ति? जिस दिन से मैंने वो कॉल सेंटर ज्वाइन किया था, उसी दिन से मेरी नजर नवीन की दौलत पर गड़ी हुई थी। इसीलिए तुमने रमन को कॉल सेंटर में नौकरी पे लगवा दिया, और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ। अब मिस्टर नवीन को मारने का सही मौका ढूंढ रहे थे, और जब तानिया लंदन से इंडिया लौटी तब तुमने इसे अपने
प्यार के जाल में फंसा दिया और बहका दिया इसे अपने दादाजी के खिलाफ। हाँ सर, और इस बेवकूफ ने भी मेरा पूरा साथ दिया सर। वो मर्डर का वीडियो जो तुमने नवीन जी के कंप्यूटर में डाला था, वो सब एक ड्रामा था ना? क्यों तान्या? हाँ सर, उस वीडियो में लड़का रमन था और लड़की मैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारे दादाजी पेस मेकर के बगैर ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और फिर बेचारे उसी सदमे से मर गए। उसी सदमे से। बहुत ही परफेक्ट प्लान था सर हमारा। हर खूनी को लगता है कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो सीआईडी हर वक्त तैयार रहती है तुम्हारे मनसूबों पे पानी फेरने के लिए। और हरीश को तो तुमने इसलिए मारा ना कि उसने तुम्हें नवीन के कंप्यूटर में से वो वीडियो मिटाते हुए देख लिया। हाँ सर, मैं अगर हरीश को नहीं मारता तो वो आप लोगों तक पहुंचाता। क्या फायदा हुआ, फिर भी पकड़े गए ना। अब क्या होगा? और क्या होगा, तीन तीन फंदे बनेंगे, तीन तीन फंदे फांसी के। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।